सब कुछ नया, तब मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जा चुके थे और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान था जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी को ऊंची आवाज से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का निवास मनुष्यों के बीच में है, वो उनके साथ रहेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर खुद उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना कोई दुख, ना कोई रोना, और ना कोई दर्द ही रहेगा, क्योंकि सब पुरानी बातें बीत गईं। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से बिल्कुल मुफ्त पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। लेकिन डरपोकों, अविश्वासियों, घृणित काम करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, जादू टोना करने वालों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है।